गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन DSPM का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस वाला टॉपिक जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो अपन ने DSPM का वीडियो शेयर किया था, उसके अंदर जो अपन ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स था वो वाला टॉपिक खत्म किया था। उसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टडी किया था, एज वेल एज उसकी ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस के बारे में अपन ने स्टडी किया था, ठीक है। तो अब जो अपना टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्हाट आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन बात करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, ठीक है। अगर जनरल टर्म्स के अंदर बात करें तो ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द रूल्स, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, जो कि अपन फॉलो करते हैं अपनी अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग जब अपन करते हैं तब इन रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? दे आर द सेट ऑफ रूल्स और दे आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं, ठीक है। 7-8 तरह के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से अपन जो फर्स्ट स्टडी करेंगे दैट इज द एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग, जो आपका बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है, उसको आपको एज अ सिंगल एंटिटी रिगार्ड करना है। मतलब कि इट डजेंट डिपेंड दैट हाउ मेनी पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस, ठीक है। मतलब कि एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, 10 पार्टनर है, 15 पार्टनर है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। यू हैव टू रिगार्ड योर बिजनेस एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब कि आपको अपने बिजनेस को एज अ सिंगल एंटिटी के रूप में देखना है, ठीक है। आपकी जो भी अकाउंटिंग होगी वो एक सिंगल बिजनेस फर्म के नाम पे होगी, एक सिंगल पूरे बिजनेस के ऊपर होगी। इट विल नॉट बी ऑन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि अलग पार्टनर की अलग अकाउंटिंग होगी, अलग पार्टनर की अलग अकाउंटिंग होगी, नहीं। इट विल बी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन और होल बिजनेस फॉर्म, ठीक है। तो ये सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है जो कि अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यू हैव टू रिगार्ड योर बिजनेस एज अ सिंगल एंटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स और नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस, ओके ओके। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज वॉट? ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट द होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, और ये दो एस्पेक्ट्स है क्या? वन इज द डेबिट एंड अदर वन इज द क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट का मतलब है कि आपके पास से पैसा गया, ठीक है। मतलब कि आपको लॉस हुआ, ये कह सकते हो कि आपके पास से पैसा गया है, किसी भी चीज के लिए गया है, वो डेबिट हुआ है आपके पास से पैसा। और क्रेडिट का मतलब होता है व्हेन यू रिसीव सम मनी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनीवन, ठीक है। कहीं से आपको पैसा मिला, किसी से आपको पैसा मिला, पैसा आपके पास आया, देन इट इज नोन एज द क्रेडिट, ओके। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज व्हाट? व्हेन मनी गोज फ्रॉम यू, ठीक है, जब मनी आपके पास से जाता है, ठीक है। एंड व्हेन यू रिसीव मनी इट इज नोन एज द क्रेडिट, ओके। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। सो इट इज आर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये था आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि आपका जो भी अकाउंटिंग है वो दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये था आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है दैट यू हैव टू रिगार्ड योर बिजनेस एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। यू कांट रिगार्ड इट एज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे केवल 10-15 दिन के लिए या केवल 10-15 महीने के लिए अपना बिजनेस चलाना है, ठीक है। यू हैव टू रिगार्ड योर बिजनेस एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो आपको जो भी आपके अकाउंटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, इस हिसाब से आपको आपकी अकाउंटिंग करनी है। इट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिगार्ड योर बिजनेस एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, नॉट अ शॉर्ट वन, ओके। नेक्स्ट वन इज द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज वॉट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेज दैट यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ विच द अकाउंट विल बी मेंटेन्ड। मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन बनाना होगा जिसके लिए आपकी पूरी अकाउंटिंग होगी। मतलब कि ऐसा नहीं केवल 10 दिन के लिए आपने अकाउंट्स किया, 15 दिन के लिए अकाउंट्स किया, नहीं। एक पूरा पर्टिकुलरली एक पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर आपकी अकाउंटिंग होगी। लाइक मैनी कंपनीज ओनली रिगार्ड इट एज 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं,
ठीक है, अगर अपन बैंक्स वगैरह के अंदर बात करें तो ये यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अगर नॉर्मल टर्म्स में अपन बात करें तो इसे अपन फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो मेनली होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, इट इज़ आर अकाउंट।